Hello guys, how are you Today we will Present in Absence poem by John Donne and this is beautiful poem this poem is included in UPHESC Higher Education Assistant Professor in English and in this poem, the poet talks about true love, there is no matter distance, length, strength

किसको संबोधित कर रहा है अनुपस्थिति को इस समय जो कवि है वो अपनी प्रेमिका से दूर है तो वो ये कहना चाहता है कि भले ही दू मतलब तो आजकल क्या होता है दूरियां प्यार को खत्म कर देती हैं रिश्तों को समाप्त कर देती हैं लेकिन इस कविता में कवि अनुपस्थिति को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है क्यों क्योंकि अनुपस्थिति ही है जो आपके प्रेम को दर्शाती है कि आप कितना प्रेम किसी से करते हैं हमारे जैसे मम्मी पापा हैं हमारे पहले आप ऐसे समझ लीजिए फिर वो पढ़ते हैं वो लोग कहीं चले जाते हैं तब हमें उन्हें उनकी इम्पोर्टेंस पता चलती है ना कि हम कितना प्रेम करते हैं उनको या वो हमें कितना प्रेम करते हैं ठीक है तो दूरियां किसी रिश्ते को ख़त्म नहीं करती हैं समाप्त नहीं करती हैं ये जॉन डन ने बताया है चलिए पढ़ते हैं अब सेंस अनुपस्थिति हियर दाउ माई प्रोटेस्टेशन सुनो मेरे इस डिक्लेरेशन मेरी इस घोषणा को सुनो अगेंस्ट आई स्ट्रेंथ जो मैं तुम्हारी शक्ति के विरुद्ध करना चाह रहा हूँ शक्ति क्या है अनुपस्थिति की भुलक कर सब कुछ भुला देना तो कभी कह रहा है अनुपस्थिति सुनो मैं तुम्हारे मैं मेरी इस घोषणा को सुनो प्रोटेस्टेशन मीन्स डिक्लेरेशन को सुनो जो मैं तुम्हारी शक्ति के विरुद्ध करने जा रहा हूँ डिस्टेंस एंड लेंथ तुम्हारी शक्ति क्या है कि दूरी होने पर किसी भी तरह की दूरी होने पर तुम रिश्तों को समाप्त कर देती हो बट तुम ऐसा नहीं कर सकती डू वॉट दाउ कांस फॉल्ट्रेशन तुम्हारा जो मन हो वो करो लेकिन तुम अल्ट्रेशन मीन्स हमारे प्रेम में बदलाव नहीं आ ला सकती हो कभी कह रहा है कवि पोएट और उसकी प्रेमिका के प्रेम में तुम तो बदलाव नहीं ला सकती अनुपस्थिति क्योंकि फॉर हर्ट्स ऑफ ट्रुएस्ट मेटल हमारे जो दिल हैं बहुत ही अ, अ, सच्चाई रूप में मेटल में मिल चुके हैं अपसेंस अनुपस्थिति तुम ही हो ड ज्वाइन जिसने हमारे दिलों को जोड़ रखा है अनुपस्थिति में उसे अपने प्रेम की याद आ रही है और प्रेम का अनुभव हो रहा है अनुपस्थिति तुम ही हो जिसने हमें जोड़ रखा है एंड टाइम दैट सेटल और ऐसा लगता है कि समय ने सब कुछ सेटल कर दिया है और हमारे प्रेम हमारे बीच में प्रेम बहुत अधिक बना हुआ है। शायद आपको समझ में आ रहा हो कि कभी यह कहना चाह रहा है कि कितना भी तुम्हारे पास शक्ति हो लेकिन तुम हमारे प्रेम में उसके प्रेमिका के बीच में बदलाव नहीं ला सकती हो भले ही वो कितनी ही दूर क्यों ना हो क्योंकि वो तो इस समय बाहर है दूर है अपनी प्रेमिका से आगे देखते हैं हु लव्स अ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी हिज माइंड फाउंड ग्राउंड बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मोर्टैलिटी टू हर दैट कैन नॉट वेरी अब इन्स प्रेजेंट टाइम दैट टेरी हु लव्स जो व्यक्ति मिस्ट्रेस मिस अपनी प्रेमिका को इस तरह की क्वालिटी से प्रेम करता है सच क्वालिटी किस तरह की क्वालिटी मतलब बियॉन्ड ऑफ़ फ़िजिकल फिजिकल नहीं बियॉन्ड ऑफ़ फिजिकल स्पिरिचुअल मतलब दूर रहकर भी जो प्रेम करता है बिना टच के बिना फिजिकल अटैचमेंट के तो वो क्या करता है हिज माइंड हैथ फाउंड अफेक्शंस ग्राउंड उसका मस्तिष्क प्रेम के ग्राउंड को पा लेता है यानी उसके मस्तिष्क में उसके दिल में प्रेम बस जाता है और वो प्रेम क्या कैसा होता है बियॉन्ड टाइम प्लेस एंड ऑल मोटेलिटी चाहे कितना ही समय बदल जाए चाहे दूर दूर हो जाए वो दोनों लवर हो बिलव इट प्लेस एंड ऑल मोर्टेलिटी मृत्यु ही भले ही किसी एक को लेके चला जाए लेकिन उनके प्रेम में बदलाव नहीं आता है कभी ये कहना चाहता है क्यों क्योंकि टू तो हर्ट कैन नॉट वेरी और तुम हमारे दिलों को वेरी मिस बदल नहीं सकते सकती हो अनुपस्थिति तुम हमारे दिलों को बदल नहीं सकती हो क्योंकि अब्सेंस इज प्रेजेंट अनुपस्थिति में ही प्रेम की उपस्थिति होती है अनुपस्थिति में ही प्रेम की अनुपिति हो पाती है एंड टाइम टेरी समय ने सब कुछ ठहरा सा दिया है भले ही हम लोग बूढ़े हो जाए उसका कहने का मतलब है कि बूढ़े हो जाए लेकिन सम दूर हो जाए लेकिन अन... हमारा प्रेम वैसा ही बना रहेगा आगे देखिए माई सेंसेस वॉन्ट दियर आउटवर्ड मोशन विच नाउ विद इन रीजन डिन विन रीडबल बाई हर सीक्रेट नोशन लाइक विच मैन टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंडलिंग ट्रेजर माई सेंसेस मेरी जो इंद्रियाँ हैं ठीक है वॉन्ट दियर आउटवर्ड मोशन क्या चाहती हैं बाहरी गति चाहती हैं इंद्रिया बाहरी गति मतलब जैसे आँख नाक कान अल्टीमेटली वो कहना चाहते हैं कि उसके उसको फिजिकल होने की इच्छा है ठीक है क्योंकि वो बाहर है अपनी प्रेमिका से दूर है तो वो कह रहा है मेरी बॉडी मूवमेंट चाहती बाहरी गति चाहती है फिजिकल रिलेशनशिप चाहती है बट वो क्या कह रहा है विच नाउ विद इन रीजन डेथ विन लेकिन मैंने उस इच्छा को तर्क से जीत लिया है तर्क से जीत लिया है कि ये सही नहीं है बियॉन्ड अ फिजिकल ही सबसे मतलब बेस्ट लव होता है तो ऐसा सोचने पर क्या हुआ रीडबल बाई हर सीक्रेट नोशन तो उसके जो सीक्रेट नोशन है जो उसका प्रेम है उसके दिल में कवि के प्रेमिका के लिए तो वो रीडबल हो गया है चार गुना हो गया है कैसे जैसे कि लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर इन हाइडिंग मोर देन हैंड ट्रेजर जैसे अमीर आदमी टेक प्लेजर आनंदित होता है हैंडलिंग ट्रेजर खजाने को खर्च करने के बजाय हाइडिंग में छिपाने में वैसे ही मतलब फिजिकल होने के फिजिकल यहाँ खर्च होना फिजिकल होने के बजाय उस प्रेम को दिल में छिपा कर रखने में वो खुश हो रहा है कभी खुश हो रहा है आगे देखिए बाई एंस दिस गुड मींस आई गेम दैट आई कैन कैच हर वेयर वॉच हर In some close corner of my brain, there I embrace and kiss her, and so enjoy her and के miss her. By absence, this good means I gain. अपन hmm? और ही हो जिसने जिसके कारण मैंने एक साधन पा लिया है मीन्स मीन्स साधन पा लिया है साधन मतलब उसके दिल में उसकी प्रेमिका है तो वो कह रहा है दैट आई कैन कैच हर मैं उसे वहाँ पकड़ सकता हूँ दिल के अंदर उसकी प्रेमिका को पकड़ सकता है एम वन कैन वॉच हर और वहाँ पे उसे कोई देख भी नहीं सकता है इन सम क्लोज़ कॉर्नर ऑफ माय ब्रेन और वो कहाँ पर है मेरे ब्रेन या मेरे दिल के क्लोज कॉर्नर में है और देयर आई एम्ब्रेस वहाँ कभी अपनी प्रेमिका को एम्ब्रेस कर सकता है गले लगा सकता है किस कर सकता है सो इंजॉय इंजॉय कर सकता है उसके साथ में और ननमेस सर वहाँ कोई भी उसे देख नहीं सकता है आई थिंक आपको ये मेरी पोइम समझ में आई होगी ठीक है तो इस पोएम में कवि ने अनुपस्थिति से अपनी बात कही है और वो अपनी प्रेमिका से दूर है जिससे वो ये कहना चाहता है कि अनुपस्थिति तो क्या होता है लोग भूल जाते हैं एक दूसरे को और विदाउट फिजिकल होने पे दूरियां आ जाती हैं तो यहाँ कभी कहना चाहता है कि बियॉन्ड ऑफ फिजिकल भी प्रेम होता है और अनुपस्थिति ही प्रेम को और ज़्यादा कंप्लीट बनाती है और ज्यादा मजबूत बनाती है इनकी पोएम में ये हमें देखने को मिलता है चलिए एक बार और देख लेते हैं Absence here हेयर दाव माई प्रोटेस्टेशन अनुपस्थिति मेरी इस घोषणा को सुनो अगेंस्ट डाई स्टेंथ जो मैं तुम्हारी शक्ति के विरुद्ध करने जा रहा हूँ कि डिस्टेंट एंड लेंथ मतलब कितनी ही तुम दूरिया करवा दो दूरिया हो हम लोगों में लेकिन तुम क्या नहीं कर सकती हो डू वॉट दाओ कॉन्स अल्ट्रेशन तुम कुछ भी करो लेकिन हमारे अल्ट्रेशन मीन्स प्रेम में बदलाव नहीं ला सकती हो उसके और उसकी बिलपट के क्यों फॉर हर्ट्स ऑफ टूवेस्ट में क्योंकि हमारे जो दिल है वो सच्चे रूप से मिल चुके हैं एन ऑप्शन डट्स ज्वाइन अनुपस्थिति तुम ही हो जिसने हमारे दिलों को जोड़ रखा है एंड टाइम डट सेटल उस समय ने सब कुछ सेटल कर दिया है सेकेंड इन सेकेंड स्टैंड द बॉय टॉक्स अबाउट ट्रू लव लाइक हु लव्स अ मिस्ट्रेस ऑफ सच क्वालिटी जो व्यक्ति अपनी प्रेमिका को इस तरह की क्वालिटी से प्रेम करता है इस तरह की क्वालिटी मतलब बियॉन्ड अ फिजिकल स्पिरिचुअल जो प्रेम करता है तो उस हिज माइंड हैथ बाउंड एफेक्शंस ग्राउंड उसका मस्तिष्क प्रेम के ग्राउंड को पा लेता है वो प्रेम पा लेता है प्रेम बस जाता है और वो प्रेम कैसा है बियॉन्ड टाइम समय से परे है स्थान से परे है और मोर्टैलिटी मृत्यु से परे है यानी समय भी उनमें में नहीं ला सकता है स्थान भी नहीं ला सकता है और मृत्यु भी उनके प्रेम में दूरी नहीं ला सकती है क्यों टू हर दैट कैन नॉट वेरी और अनुपस्थिति तुम्हारे दिलों को वेरी मिस बदल नहीं सकती हो अलग नहीं कर सकती हो क्यों अब इज प्रेजेंट अनुपस्थिति में ही तुम्हारी उपस्थिति है किसकी प्रेम की अनुपस्थिति में ही तुम्हारे प्रेम की उपस्थिति मुझे पता चलती है एंड टाइम दैट टेरी समय भी ठहरा देता है हमारे प्रेम को चाहे हम कितने ही दूर हों लेकिन हमारा प्रेम नहीं बदलेगा माय सेंस जब वो बाहर है अपनी प्रेमिका से दूर है तो वो कह रहा है कि माय सेंसेस वॉन्ट डियर आउट ऑफ मोशन कि हमारी जो बॉडी है वो बाहरी गति चाहती है फिजिकल होना चाहती है बाहर बट उसने क्या किया है विश विद इन रीजन डथविन तर्क से उसने जीत लिया है उसको इस बात को और क्या कह रहा है जिससे क्या हुआ है रीडबल बाय हर सीक्रेट नोशन जो उसका प्रेम उसके दिल में वो चार गुना हो गया है कैसे लाइक रिच मैन दैट टेक प्लेजर जैसे अमीर आ, आ, व्यक्ति आ, बहुत अधिक खुश होता है अब ट्रेजर में अपने खजाने को खर्च करने के बजाय हाइडिंग छिपाने में वैसे ही वो अपने प्रेम को खर्च करने के बजाय छिपाने में बहुत खुश है तुम ही हो जिसके कारण मैंने बहुत अच्छा साधन पा लिया है दैट आई कैन कैच हर जहां मैं उसे कैच कर सकता हूँ क्यों क्योंकि वो उसके दिल में है एंड वेयर कैन जहाँ कोई उसे देख भी नहीं सकता है क्यों तो क्योंकि वो इन सम क्लोज कॉर्नर ऑफ माई ब्रेन उसके ब्रेन में उसके दिल में किसी क्लोज कॉर्नर में वो है और देयर आई एम्ब्रेस जहाँ कभी उसे गले लगा सकता है किस कर सकता है इंजॉय उसके साथ कर सकता है नन में सर उसे कोई भी नहीं देख सकता है आई थिंक कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो ओके सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड इन फ्यूचर आई विल मेक दिस टाइप ऑफ वीडियो फॉर यू UPHSC higher education assistant professor in english so thank you